नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। धार्मिक राजनीति इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और तमाम ऊपर बैठे लोग इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की घटनाक्रम घटित करते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, वह किसी भी धर्म का हो। लेकिन इस वक्त जो लक्ष्य में है, जिसको टारगेट किया गया है, वह अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम धर्म ही है। अभी जैसे कि आपने देखा कि जयपुर में एक दरगाह को लेकर लगातार तनातनी मची हुई है। सुदर्शन न्यूज़ के जो चीफ एडिटर हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने न्यूज़ दिखाई कि शिव मंदिर में दरगाह बना दी गई है। तो इस तरह के जब समाचार सामने आते हैं तो जो एक निचला तबका है, निचला तबका जो सड़कों पर रहता है, शायद काम धंधे करता है या नहीं करता है, लेकिन किसी न किसी संगठन से ज़रूर जुड़ा रहता है, तो इस तरह के तबकों पर एक भारी असर पड़ता है और वह लगातार धर्म की घुट्टी पिए रहते हैं और सोचते हैं कि कैसे किसी के ऊपर अपना जो एक ऊर्जा है अंदर, वह निकाल दी जाए धर्म के नाम पर। यह घटनाएँ लगातार घटित हो रही हैं 2014 के बाद से। आप चाहे अखलाक का केस देख लीजिए, तमाम पहलू खान का केस देख लीजिए, तमाम ऐसे केस हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा किस तरह रेलगाड़ी से निकाल कर एक व्यक्ति को पीटा जाता है, जबकि वह एक महिला थी, जो हिंदू महिला थी, लेकिन वह पड़ोसी थे, बहुत अच्छे संबंध थे आपस में उन परिवारों के, उसके साथ कहीं जा रहा था, लेकिन उसको रेलगाड़ी से निकाला जाता है, पीटा जाता है कि लफ्ज जिहाद चल रहा है। आप खुद सोचें कि जो एक वयस्क व्यक्ति है, महिला है, 18 वर्ष से काफ़ी ज़्यादा थी, वह एक शिक्षिका है, वह एक टीचर है, तो उसको भी भड़काया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है। ये अजीब अजीब तरह के तथ्य सामने आते हैं। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के रतलाम की हम आपको घटना बता रहे हैं, यहाँ भी एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई है। और ऐसी घटनाओं के बाद जो वाकई में हिंदू समाज है, सभ्य हिंदू समाज है, वह भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा होता है और निंदा आलोचना करता हुआ नज़र आता है। लेकिन यह ज़मीनी तबके के जो लोग हैं, किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, वह उन सभ्य लोगों का भी मजाक बनवाते हैं, उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, रतलाम की यह घटना है। यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति था, सैफुद्दीन नाम था, दाढ़ी भी थी, टोपी लगाए हुए था। तो सड़क में पेशाब करना वैसे भी गलत है, किनारे, सड़क के किनारे, लेकिन हिंदुस्तान में आपको पता है कि यह घटना घटित होती रहती है। यह एक आम तौर पर देखा जाता है कि सड़क के किनारे पेशाब करता है व्यक्ति। तो सैफुद्दीन नाम के इस व्यक्ति ने सड़क के किनारे पेशाब कर रहा था, वहाँ कुछ हिंदू संगठन के लोग आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम सड़क के किनारे पेशाब क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे पेशाब करनी थी इसलिए मैं कर रहा हूँ। लोग करते कह रहे, नहीं, यहाँ पर गाय बैठी हुई है, गौ माता बैठी हुई है, आप उनके सामने पेशाब कर रहे हो, यह गलत है, ये आप हमें धार्मिक रूप से आहत कर रहे हैं, आप गाय माता के सामने पेशाब नहीं कर सकते। सोचिए आप जरा कि आप गाय को माता कहते हैं, अच्छी बात है, उसका सम्मान सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए, यह भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सड़क पर गाय है और सड़क पर एक व्यक्ति पेशाब कर रहा है, तो आप इसको धार्मिक रूप कैसे दे सकते हैं? यदि वाकई में आपको मोह है, प्रेम है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घरों में गाय हैं, यदि गाय परेशान है, घायल है, आवारा घूम रही है, तो वो लोग गाय को ले जाके अपने घर में उसका इलाज करते हैं, पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को पीटने की बात आती है, तब आप उसको धार्मिक रूप दे देते हैं। तो सैफुद्दीन के साथ बहुत बदसलूकी हुई, उसको धार्मिक रूप से गालियां भी दी गई, उसकी टोपी उतार कर उससे खुद लात मारने को कहा गया। क्या करता है एक व्यक्ति, बिल्कुल उसे करना पड़ेगा, जब उसको एक भीड़ घेर लेगी, लिंचिंग का खतरा होगा, और उसने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होंगी जहां मृत्यु तक हो जाती है, तो उसने ऐसा किया। और इतना ही नहीं, वह इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरह की घटना को चलिए कोई भी अंजाम दे सकता है, लेकिन उसका वीडियो बनाकर खुद अपलोड करते हैं, उसको वायरल करते हैं। मतलब ऐसे कौन सी शक्ति प्राप्त है ऐसे लोगों को कि आप एक तो पहले एक कांड करते हैं, एक क्राइम करते हैं, गुनाह करते हैं, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर खुद अपलोड करते हैं, जैसे कि सत्ता पर आप ही आसीन हो या फिर सत्ता के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त हो रही हो। तो ऐसी तमाम जितनी घटनाएं आई हैं, हर घटना का वीडियो अपलोड हुआ है, आप देखेंगे
सोशल मीडिया में हर घटना का वीडियो मिलेगा। तो यह शक्ति इनको कहाँ से प्राप्त होती है? क्या सरकार इनको यह काम करने के लिए उकसाती है या फिर इनको शक्ति देती है कि आप ऐसा कार्य करिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा? या फिर यति नरसिंहानंद जैसे लोग, सुरेश चौहान के जैसे लोग जब अपने बयान देते हैं तो एक जो असभ्य तबका होता है उनके दिलों में यह बात छप जाती है और वह सोचते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए तो हमें निकलना ही है। और धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब आप अपने अपोजिट धर्म, जो आपका विपक्षी धर्म है, उसको नुकसान पहुंचाएं, उसके मानने वालों की लिंचिंग करें, तब उनको ऐसा लगता है कि शायद धर्म की रक्षा हो रही है। संबंध में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।